तो आज जो एकादशी है उसका नाम है पार्श्व एकादशी। तो पार्श्व एकादशी को वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण, ओके लेट मी पिन माय सेल्फ पिन। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत करने की विधि और करने से प्राप्त होने वाला फल, इस बारे में कृपया विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, आदित्य प्रभु आप पढ़िए। भगवान भगवान श्री कृष्ण पूछा, जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष थोड़ा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस कहते हैं इसके व्रत प्राप्त करता है। एकादशी के केवल महात्म करने से मुक्त हो जाता है। वाजपेय करने वाले इस व्रत से इस कार्य को ऐसे भी कहते हैं, देव की करनी चाहिए। इस एकादशी हैं, इसलिए इस एकादशी को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। अच्छा, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देवेश्वर, आप कैसे सोते, किस प्रकार करवट बदलते हैं? करवट बदलते हैं, चतुर्मास से करना चाहिए। आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं? मेरी ये सारी शंकाएं आप कृपया दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्य कुल में जन्म नामक करता था। 1 मिनट, हरे कृष्णा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? अच्छा जी, कैन यू हियर मी क्लियरली? हाँ जी, हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ओके तो मैं पढ़ता हूँ अभी। तो इसमें हमने देखा, इसके पहले के पैराग्राफ में, ये जो एकादशी है ये वामन द्वादशी के समय आती है, जब भगवान वामन ने बलि महाराज का छल किया था। तो इसके पहले हमने पढ़ा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और वाजपेय यज्ञ करने का लाभ इस एकादशी करने के आपको मिलेगा। तो अभी वो पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज भगवान से कि आप वामन देव को क्यों छलते हो, आपने वामन देव को क्यों बांध रखा है। तो उसके उत्तर में भगवान अभी उत्तर देंगे। त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देव देवता ऋषि मेरे पास आए, उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहा था वहां पहुंचा। बलि राजा के पास मैंने 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती बलि राजा ने मुझसे की, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय से केवल 3 मग भूमि ही मांगी। दूसरा कौन सा भी विचार ना करके उसने दान में 3 पग भूमि दे दी। तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पग में सप्त पाताल, मतलब 7 पाताल, तल असातल रसल भूतल पाताल करके 7 है। दूसरे पग में आकाश के 7 सातों लोक को लिया, अर्थात जैसे ऊपर में जो लोक है, सत्य लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक इत्यादि। और तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी। तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे किया।
उसके नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने आशीर्वाद दिया। तो भगवान बलि महाराज से प्रसन्न हो गए, इसलिए वो आत्मनिवेदन के आचार्य है। उसी एकादशी के एक दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थान स्थापन करते हैं। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का हर एक को दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत पालन से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। समाप्त। तो ये आज के एकादशी का महात्म्य है। अगर आप एकादशी का ठीक से पालन करते हैं तो हमें भगवान की कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो सकती है। और कल तो वामन द्वादशी है, और कल भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस भी है, जो हमारे आचार्य हुए, प्रभुपाद के परम गुरु। प्रभुपाद की गुरु महाराज का नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके गुरु हुए गौर किशोर बाबा जी महाराज, और उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो कल बहुत विशेष दिन है, और आज हम लोग एक दिन पहले एकादशी मना रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एकादशी को हमें सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। यस, कुछ कह रहे हैं आप आदित्य प्रभु? सवाल है मेरा, हाँ पूछिए। ये एकादशी पालन करने क्या होना चाहिए, जिसमें जो जिसमें वर्णन होते हैं प्योरिफिकेशन में एकादशी के, जो तो उसमें वो हमको कब मिलेंगे, जब हम अन्न से एक मतलब उपवास रखेंगे, पानी से निर्जला रखेंगे कि फलाहार करेंगे, ऐसे करेंगे। देर आर 4 लेवल्स। फर्स्ट इज निर्जल एकादशी। जैसे हम लोग पांडव एकादशी साल में एक बार करते हैं, तो उसमें आपको जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। दैट इज बेस्ट, अगर आप वैसा कर सके तो। सेकेंड लेवल इज सजल। आप जल पी के दूध लेके एकादशी कर सकते हैं। थर्ड लेवल इज सफल। जल, दूध, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खा के भी आप एकादशी रख सकते हो। एंड फोर्थ इज फोर्थ में आप एकादशी के जितने भी आइटम हैं, वरई, भगर, साबूदाना खिचड़ी, ये सब खा सकते हो, लेकिन वो सबसे निम्न स्तर का एकादशी माना गया है। बेस्ट इज निर्जल या सजल। अगर आप वैसा रख रहे हो तो वो बेस्ट है। इससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आप एकादशी के दिन अधिक से अधिक रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा करने का प्रयास कीजिए। दान पुण्य कीजिए, गो माता की सेवा कीजिए, तुलसी महारानी में जल अर्पण कीजिए। ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। मंदिर की परिक्रमा कीजिए। तो ऐसे करने से आपका एकादशी का व्रत सफल हो जाएगा। सिर्फ शारीरिक तपस्या करने से आपको एकादशी का पूरा लाभ मिलेगा, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। आपको मानसिक तपस्या करनी है। तो मन की तपस्या क्या है? शांत बैठना और अपने जीवा को, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना। अगर आप वो सब करते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो ये हमें समझना है। देर आर 3 लेवल्स, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक स्तर पे क्या करना है? आपके जो बॉडीली नीड्स है, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, उसको आज कम कर दीजिए। वाचिक स्तर पे प्रजल्प, दूसरों की बुराई, चुगली, गाली गलौज, ये सब मत कीजिए। अधिक से अधिक नाम जप, कीर्तन, भगवान का जो कथा है उसको आप सुनिए, उसको आप बोलिए, बुक रीडिंग कीजिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी। तो यह वाचिक स्तर पे हो गया। और मानसिक स्तर पे क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के मिशन में मैं किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसके बारे में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों का यात्रा होने वाला है जनवरी महीने में, तो मैं पैरेलली कंपनी के साथ साथ वो सब भी करते रहता हूँ। फॉलो अप करना, उसके वीडियोस बनाना, वीडियो शेयर करना चैनल पे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने नरसिम्हा आरती का वीडियो शेयर किया था। ये सनातन धर्मा प्रभु जी ने गाया था मायापुर में, जब हम लोग 2 महीने पहले मायापुर में थे। और आज मैंने मंगल आरती का वीडियो शेयर किया, और अभी 6 बजे जय राधा माधव का वीडियो मैंने शेयरिंग के लिए उसके ऊपर लगा दिया है। तो इस प्रकार से आप मानसिक तौर पे भी भगवान की बहुत सारी सेवाएं कर सकते हो। और साथ में मैं निर्जला उपवास रखता हूँ, क्योंकि हमारे प्रभु जी भी करते हैं, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो विदाउट ईटिंग एनीथिंग, जो आपका टाइम बच रहा है उसको आप भगवान की सेवा में लगाओ। सो दिस इज बेस्ट बेस्ट लेवल ऑफ एकादशी, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगर उससे नहीं हो रहा है तो जो सेकंड लेवल है, थोड़ा आप खा पी के एकादशी कीजिए, लेकिन अन्न मत खाइए। दैट इज द 10th क्लास। अन्न खाना, अन्न का सेवन करना, वो सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आज के दिन। उससे पाप लगता है, क्योंकि अन्न पाप जो है, पाप राजा, वो आज के दिन एकादशी के दिन अन्न में जाके आश्रय लेता है। तो जो व्यक्ति अन्न खाता है, चावल खाता है, दाल,
चपाती खाता है उसको बहुत ताप लगता है, तो वो हमें अवॉइड करना है एज फार एज पॉसिबल। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो एकादशी वी हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली। और मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ, श्रीमती राधा रानी, वो लोग वृंदावन में हर एकादशी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है निर्जला। तो मैंने पूछा मेरे काउंसिलर को, सनातन धर्मा प्रभु जी को, कि वो ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी जानती है कि कृष्ण को सबसे अधिक क्या पसंद है, एकादशी। कृष्णा लाइक्स एकादशी वेरी मच। तो जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वो तुरंत शीघ्र अति शीघ्र भगवान को प्रिय बन जाता है। इसलिए अगर हम भगवान की कृपा चाहते हैं तो हमें गो सेवा, एकादशी व्रत का पालन, वैष्णवों की सेवा, गीता भागवत का श्रवण, हरिनाम जप, इन सब चीज़ों में गंभीर बनना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़े समय पहले एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ा, तो आज पार्श्व एकादशी है, कल वामन द्वादशी है। तो हम भगवान वामन देव से भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हमारे अंदर जो छल कपट की टेंडेंसी होती है, मानसिकता होती है, हम उनसे छुटकारा पा सके और हम कृष्ण की सेवा में जिस प्रकार उनके शुद्ध भक्त बलि महाराज ने सब कुछ भगवान को समर्पित किया, वैसे ही हम अपने तन मन धन सब कुछ भगवान के चरणों में सेवा में समर्पित कर सके, लगा सके इस प्रकार से। ओके, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, सो वी आर रीडिंग फ्रॉम द बुक लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम हिंदी में। और सो कैन यू, आप में से कोई एक रिवाइज कीजिए कल हमने क्या चर्चा की थी। यस आदित्य प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमने मतलब जो इंद्र तृप्ति था और क्या बोलते हैं उसपे, मतलब जी जीव बंधा है वो कैसे उसपे देखा था। मतलब किस प्रकार से बंधन जो होता है वो उसके बारे में। यस yes, और आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? लेट मी शेयर वन यस प्रभु सेकेंड। जी, ओके, आई विल जस्ट शेयर द पीडीएफ। ठीक है, मैंने फिर से शेयर किया हूँ। और मैं कल क्लास एंड होने के पहले आई वॉज टॉकिंग अबाउट थ्री थ्री लेवल्स ऑफ कृष्णास एनर्जी। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक होता है बहिरंगा शक्ति, जिसको हम लोग मटेरियल एनर्जी बोलते हैं, दुर्गा देवी। तो शी इज बहिरंगा शक्ति ऑफ कृष्णा, जो हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखती है। फिर एक होता है अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति यानी कि सुभद्रा महारानी, आप लोग देखते हो ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों साथ में रहते हैं। तो सुभद्रा महारानी इस कृष्णास इंटरनल पोटेंसी, जिनको हम लोग योग माया भी कहते हैं। और तो वो योग माया क्या करती है, जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था वृंदा देवी का। वृंदा देवी आध्यात्मिक जगत में भगवान की लीलाओं में सहायता करती है, तो वैसे ही योग माया जो है, योग माया क्या करती है, जैसे वृंदावन के वासी है यशोदा माई और नंद महाराज, इनका जो भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव है उसको ढक देती है और उनका जो प्रेम भाव है उसको उजागर करती है। और जैसे वसुदेव है, देवकी है, इनमें ऐश्वर्य भाव ज़्यादा है, लेकिन वृंदावन में क्या है, माधुर्य भाव है। इसलिए वृंदावन क्या है, माधुर्य धाम है, और वैकुंठ जगत ये सब ऐश्वर्य धाम है। और फिर थर्ड होता है तटस्थ शक्ति, हम सभी जीवात्मा। तो अपने पास चॉइस है कि हमें किस तरफ मुड़ना है, आपको महामाया के कंट्रोल में रहना है या योग माया के कंट्रोल में आना है। तो अगर योग माया के कंट्रोल में आना है तो क्या करना होगा, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, एकादशी व्रत, सर्विंग, सेवा करनी होगी। और अगर आपको महामाया में रहना है तो आप मूवीज देखिए, पार्टी में जाइए, और क्या बोलते हैं, टेलीविजन देखिए। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो चेतना है वो हमेशा भौतिक स्तर पर रहेगा, लेकिन अगर आध्यात्मिक स्तर पर उठना है तो हमें कृष्ण भक्तों का संग लेके नाम जप, श्रवण कीर्तन और विग्रहों की सेवा, भगवान के दर्शन करने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। इन शब्दों के साथ हमने कल का लेक्चर समाप्त किया था, कल का बुक रीडिंग। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई वेलकम एवरीवन। वी हैव नीलेश प्रभु, अभिषेक प्रभु, आदित्य प्रभु एंड संजय प्रभु। तो हम सभी को पढ़ने का मौका देंगे। तो आदित्य प्रभु ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सो अभिषेक प्रभु आप पढ़िए अभी। यू कैन रीड फ्रॉम हियर, अतः उच्चतर शक्ति, यहाँ से पढ़िए। अतः उच्चतर शक्ति अर्थात पर कुछ नियंत्रण रख सकते हैं। इसकी व्याख्या कृष्ण ने भगवद गीता 7:5 में की है।
धारियेत जगत, इस भौतिक जगत की महत्ता जीवों के कारण है। लॉस एंजेलिस, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे विशाल शहरों का महत्व तब तक है जब तक जीव वहां रहते हैं। इसी तरह शरीर तभी तक मूल्यवान है जब तक इसमें जीवात्मा है। इसलिए आत्मा पदार्थ से श्रेष्ठ है, लेकिन इस श्रेष्ठता का दुरुपयोग इंद्रिय तृप्ति हेतु पदार्थ का शोषण करने में हो रहा है। यही बद्ध जीव है। हम यह भूल चुके हैं कि यद्यपि हम पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, फिर भी हम ईश्वर के अधीन हैं। आधुनिक यस, तो सभ्यता के जस्ट लोग 1 मिनट। तो यहाँ पर रूपा जी बता रहे हैं कि देर आर टू थिंग्स, सब्सटेंस एंड स्पिरिट। सब्सटेंस मतलब मैटर, जैसे हम लोग शरीर में हैं तो शरीर जड़ है, आवर मटेरियल बॉडी इज ऑलवेज डेड। एंड स्पिरिट मतलब आत्मा जो उसको कार्यान्वित करती है, और हमारे पास शक्ति है, लेकिन क्या होता है, हम लोग अज्ञानवश शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, है ना। देर आर मेनी वेज कि वी आर ट्राइंग टू एंजॉय, हम अपने सी एवरी वन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, ये तो क्लियर है। हर एक कोई सुख सुख प्राप्त करना चाहता है, और सुख प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग प्रकार के कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता है अपने इंद्रियों के द्वारा। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, आँख, कान, नाक, जीवा, इसके द्वारा वो भोग भोगने का प्रयास कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू बिकम एंजॉयड, गलत तरीके से, सही तरीके से। और इसके चक्कर में क्या होता है, वो बंधते जाता है, बन जाता है वो कर्म के बंधन में, और वो उसका जो बंधन है वो और जटिल होते जाता है, जिसकी वजह से उसको बारंबार कष्ट और दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो वो बताते हैं कि अगर हम याद रखें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं ईश्वर के अधीन हूँ, तो वो इस चक्र से छूट सकता है। आगे भी देखते हैं। यस प्लीज रीड। आधुनिक सभ्यता के लोग ईश्वर की परवाह नहीं करते क्योंकि वे अपने को पदार्थ से उत्कृष्ट समझकर मदांध हो गए हैं। वे पदार्थ का विभिन्न प्रकारों से दोहन करने मात्र में लगे हैं, किंतु वे यह भूल रहे हैं कि सारे लोग अमेरिकी, रूसी, चीनी, भारतीय ईश्वर के अधीन हैं। वे कृष्ण को भूल चुके हैं और इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं। ही उनका रोग है, इसलिए भक्त का यह कर्तव्य है कि वह लोगों में कृष्ण भावनामृत को जागृत करे। भक्त उन्हें बताता है, तुम पदार्थ से श्रेष्ठ हो किंतु तुम कृष्ण के अधीन हो, अतः तुम्हें पदार्थ का भोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इसका उपयोग कृष्ण के भोग के लिए करना चाहिए। उदाहरणार्थ, हमने इस मंदिर को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं सजा कर रखा है, अपितु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है। तो हम में तथा सामान्य लोगों में क्या अंतर है? वे अपने अपने घरों को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं और हम भी अपने स्थान को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं, किंतु प्रयोजन भिन्न भिन्न है। हम इसे कृष्ण के लिए कर रहे हैं और वे इसे अपने लिए कर रहे हैं। आप चाहे निजी घर को सजाएं या कृष्ण मंदिर को, पदार्थ के ऊपर आपकी श्रेष्ठता बनी रहती है क्योंकि आप पदार्थ का उपयोग अपने लिए कर रहे हैं। किंतु जब आप अपनी बुद्धि को कृष्ण की प्रसन्नता हेतु पदार्थ का उपयोग करने में लगाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। उसी जबकि उसी बुद्धि को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाने पर आप भौतिक प्रकृति में फंसते जाते हैं और उलझन महसूस करते हैं। तब आपको एक के बाद एक शरीर बदलना होता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैं अपने घर को सजा रहा हूँ और एक डिवोटी है, भक्त है, वो भी अपने मंदिर को सजा रहा है। दोनों में अंतर क्या है? वो अपने घर को सजा रहा है खुद के लिए, लेकिन जो भक्त होता है वो कृष्ण के लिए मंदिर को या टेम्पल को डेकोरेट करता है। तो इस बात को जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब आप अपनी बुद्धि को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग करते हो तो आपका जीवन सफल हो जाता है। जबकि उसी बुद्धि को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाओगे तो क्या होगा, आप भौतिक प्रकृति
जो हमारा किताब का शीर्षक है प्रकृति के नियम, इसमें फंस जाओगे और एक के बाद एक शरीर बदलना पड़ेगा। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे शयनम, ये शंकराचार्य का श्लोक है कि बारंबार आपको जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और जननी अर्थात माता के जठर अर्थात कोख में आपको रहना पड़ेगा। तो वो इस प्रकार से बताते हैं। ओके विल गो अहेड। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे अब? नीलेश प्रभु अभी आप पढ़ सकते हैं, ट्राई कीजिए एक बार। दिलेश प्रभु मेरी आवाज आ रही है? लेट मी चेक। दिलेश प्रभु, दिलेश प्रभु को हम नहीं सुन पा रहे हैं चैट। नो इश्यूज विथ इंटरनेट। अच्छा, कैन यू रीड? ओके संजय प्रभु आप पढ़ेंगे। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। कृष्ण यस प्लीज पढ़िए। निकृष्ट शक्ति अर्थात पदार्थ तथा उत्कृष्ट शक्ति अर्थात हम जीवात्मा दोनों के परम नित्यांत है, नित्यंता है। हम कृष्ण की श्रेष्ठ शक्ति है क्योंकि हम भौतिक जगत को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यह नियंत्रण भी आंशिक है। हम भौतिक जगत पर हमारा नियंत्रण केवल सीमित है, किंतु कृष्ण का हम सबों पर नियंत्रण है। इसलिए हमारे पास जितना भी नियंत्रण है वह उनके द्वारा प्राप्त है। उदाहरणार्थ, मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से इस सुंदर माइक्रोफोन को माइक्रोफोन। तैयार किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ हद तक पदार्थ को नियंत्रित कर सकता है, किंतु यह बुद्धि और कहाँ से आई कहाँ से? मनुष्य को यह आई कहाँ से मनुष्य को यह उत्कृष्ट बुद्धि कृष्ण ने प्रदान की है। भगवद गीता 15:15, मैं कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य सर्वस्य चाह चाहा हृदि हरि। सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। यस आगे पढ़िए। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विश्व स्मृति उत्पन्न होती है। इसलिए परम नियंता मनुष्य शरीर के रूप में उत्कृष्ट शक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं। इसे करो, अब उसे करो। यह निर्देश मन माना नहीं है। मनुष्य पिछले जन्म में कुछ करना चाहता था, किंतु इस वर्तमान जीवन में वह उसे भूल जाता है। अतः कृष्ण उसे स्मरण दिलाते हैं, तुम यह करना चाहते थे, यह रहा अवसर। अतः आपके पास उत्कृष्ट बुद्धि होने पर भी उसका नियंत्रण कृष्ण द्वारा किया जाता है। यदि कृष्ण आपको बुद्धि देते हैं तो आप इस सुंदर माइक्रोफोन को बना सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बना सकते। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में हम कृष्ण द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो प्रोबा जी बता रहे हैं कि वी आर नॉट द कंट्रोलर्स, वी आर कंट्रोल्ड। हमारे पास थोड़ी सी कंट्रोल करने की शक्ति है, जैसे प्रोबा ने माइक्रोफोन का एग्जांपल दिया कि हमने माइक माइक का इन्वेंशन किया है, लेकिन माइक बनाने के लिए जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स कहाँ से मिलते हैं? वो एलिमेंट्स आपको प्रकृति से मिलते हैं, फ्रॉम नेचर, है ना। एवरीथिंग जो भी आपको लगता है माइक बनाने के लिए, वायर, कॉपर और अलग अलग प्रकार के मेटल्स, सब कुछ कहाँ से आता है? प्रकृति से आता है। और माइक बनाने की बुद्धि कहाँ से आती है? इंटेलिजेंस, द मास्टर माइंड, मास्टर ब्रेन, वो कहाँ से आता है? वो ईश्वर से आता है, वो परमात्मा से आता है। तो इस प्रकार से जीव, जगत और जगदीश, ये हमने कल भी चर्चा की थी। तो ये भगवद गीता के 5 टॉपिक में से 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जगत में 5 चीजें हैं, एक तो है ईश्वर, दूसरा है जीव हम सब, तीसरा है प्रकृति, प्रकृति
मटेरियल नेचर जो हमें सुविधा प्रोवाइड करती है, चौथा है काल सही समय, और पांचवा है कर्म। तो कर्म क्या करते हैं, जब आप कार्य करते हो तो वो आपके कर्म में, कर्म के अकाउंट में चला जाता है। आपने अच्छा कार्य किया आपको पुण्य मिलेगा, गलत कार्य किया पाप मिलेगा, और अगर भक्ति किया तो क्या होगा, नो मोर कर्मा, आपका दोनों अकाउंट जीरो हो जाएगा और आप भगवत धाम जा सकते हो। तो वो बता रहे थे फिर से वही बात कि कृष्णा हमारे परम नियंता है और हम छोटे नियंता है, वी आर स्मॉल कंट्रोलर्स, कृष्णा इज द बिगेस्ट कंट्रोलर, इस प्रकार से। ओके मैं पढ़ता हूँ अभी। हम ब्रह्मांड स्तर पर भी कृष्णा का नियंत्रण देख सकते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ अनेक विशाल ग्रह है, यह पृथ्वी तो मात्र एक छोटा सा ग्रह है, फिर भी इस ग्रह पर अटलांटिक तथा प्रशांत सागर जैसे महासागर है, मतलब पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और बड़े बड़े पर्वत तथा गगनचुंबी इमारतें हैं। इतने सारे बोझ के बावजूद भी यह पृथ्वी वायु में रुई के फाहे के समान तैर रही है, इसे कौन तैरा रहा है? अगर आप देखोगे ऑर्बिट, सोलर सिस्टम, अगर आपने फोटोज देखे होंगे ज्योग्राफी बुक में, ज्योग्राफी या साइंस बुक में, तो क्या दिखाते हैं उसमें, सन इज इन द मिडल और सन के इर्द गिर्द सभी प्लैनेट घूम रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये इतना बड़ा पृथ्वी है फिर भी ये रुई का जो मास होता है, द कॉटन विंग, उसके प्रकार से वो वायु में घूम रहा है, और वो कभी भी अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में घुसता नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है कि प्लूटो और अर्थ का एक्सीडेंट हो गया या मार्स और जुपिटर का क्रैश हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। जितने भी प्लैनेट्स है, दे आर रोटेटिंग इन द परफेक्ट ऑर्बिट, ना आगे ना पीछे, बराबर घूम रहे हैं वो। तो ये कौन कर रहा है, इसे कौन तैरा रहा है? क्या आप हवा में बालू के कण को तैरा सकते हो? आप भले ही पृथ्वी के गुरुत्व, ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम तथा अन्य कई बातों की चर्चा करते रहे, किंतु आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आपका हवाई जहाज हवा में उड़ता है, किंतु जैसे ही पेट्रोल समाप्त हो जाएगा यह तुरंत गिर पड़ेगा। अतः एक ऐसा जहाज जो हवा में अस्थायी रूप से ही तैर सकता है, यदि उसे बनाने में अनेक वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ती है, तो क्या यह संभव है कि यह विशाल पृथ्वी अपने आप ही तैर रही है? नहीं। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने एरोप्लेन में ट्रैवल किया होगा, फ्लाइट में घूमे होंगे, तो जब तक उसके अंदर फ्यूल है तब तक वो प्लेन हवा में अच्छे से उड़ता है, और जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, मेनी टाइम्स दे हैव टू डू इमरजेंसी लैंडिंग, क्योंकि हमारा फ्यूल खत्म हो गया है, फ्यूल टैंक में अभी कुछ पेट्रोल डीजल बचानी है, देन दे विल लैंड इन सम प्लेस, रिफिल एंड देन अगेन टेक ऑफ। तो प्रभुपा जी बोल रहे हैं कि एक जहाज को उड़ाने के लिए आपको इतने सारे वैज्ञानिक लगते हैं, तो फिर ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी बिना किसी फ्यूल के बराबर अपने ऑर्बिट में घूम रही है, तो इसके पीछे भी तो कोई वैज्ञानिक होगा। तो वो वैज्ञानिक कौन है, भगवान है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ मून लैंडिंग, चंद्रयान 3, वो सक्सेसफुल हो गया, उसके पहले दो 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 सक्सेसफुल नहीं हुए थे, दिस वन वॉज सक्सेसफुल। तो इसके लिए भी कितने वैज्ञानिक लगे होंगे, आप सोचिए ना। लेकिन वो जहाँ पे मून पे जा रहे हैं, मून को बनाया किसने, मून को भी तो बनाने के लिए कोई लगा होगा, तो हम उसका विचार क्यों नहीं करते? सो दैट्स वाई वी हैव टू थिंक फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। आप मून लैंडिंग की बात कर रहे हो, लेकिन मून को बनाया किसने, हु इज द क्रिएटर ऑफ द मून, दैट ऑल्सो वी हैव टू थिंक। आगे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, घोषित करते हैं 15.13 में, मैं भौतिक लोकों में प्रवेश करता हूँ और उन्हें ऊपर तैरने देता हूँ। जिस तरह हवाई जहाज को उड़ाने के लिए पायलट चालक को उसमें प्रवेश करना पड़ता है, उसी तरह इस पृथ्वी को तैरती रखने के लिए कृष्ण इसके भीतर प्रविष्ट हुए हैं, यह सहज सच्चाई है। तो भगवान स्वयं गीता में इस बात को स्वीकारते हैं कि मैं ही सभी पृथ्वियों में प्रवेश करके उसे तैराता हूँ, उसे एक्टिवेट संचालित करता हूँ। तो ये समझना काफी आवश्यक है। ओके आज के लिए हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, और लास्ट पैराग्राफ पढ़ के आज हम लोग विराम देंगे। यस आदित्य प्रभु आप पढ़िए। जी प्रभु जी, हमें कृष्ण से ज्ञान लेना होता है। हमें कृष्ण से या उनके प्रतिनिधि से श्रवण करने के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की किसी अन्य विधि को स्वीकार स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब हमें उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आपको ऐसा कोई प्राधिकारी प्रतिनिधित्व करता
प्रतिनिधित्व करता हो और जो विषय वस्तु पर बोल सकता हो, और यदि आप उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को स्वीकार करते हैं तो आपका ज्ञान पूर्ण है। ज्ञान प्राप्त करने की समस्त विद्याएं विधियों में से सबसे कम विश्वसनीय विधि प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति की है। मान लीजिए कि कोई पूछता है, क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि वह हर वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना चाहता है, किंतु यह ज्ञान प्राप्त करने की निम्न श्रेणी की विधि है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और हम में त्रुटियां करने की संभावना है। मान लीजिए कि आपको कुछ स्वर्ण चाहिए, किंतु आप यह नहीं जानते कि उसे कहाँ से खरीदा जाए। अतः आप किसी लोहे के व्यापारी के पास जाकर पूछते हैं, क्या आपके पास सोना है? वह तुरंत समझ जाएगा कि आप अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं, क्योंकि आप सोने खरीदने के लिए लोहे की दुकान में आए हैं। अतः वह आपको लुटा दे यह रहा सोना। तब आप कहेंगे, क्या आप उस लोहे को सोना मान लेंगे? क्योंकि आप नहीं जानते कि सोना क्या होता है, और उसको खरीदने के लिए आप लोहे की दुकान में गए हैं। अतः आपको लोहे का टुकड़ा मिलेगा और आप ठग लिए जाएंगे। इस तरह वे धूर्त जो यह मांग करते हैं कि उन्हें ईश्वर का दर्शन कराया जाए, यह नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। अतः वे अनेक नकली आध्यात्मिक नेताओं द्वारा ठगे जा रहे हैं जो यह दावा करते हैं कि वे ईश्वर हैं। ऐसा हो रहा है। यस, वेरी ट्रू। सी, प्रभुपाद ने कितना अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है कि अगर कोई व्यक्ति है, वो सोने की दुकान सोना चाहता है और वो लोहे की दुकान में जाके बोलेगा मुझे सोना दो, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा जो दुकानदार है कि ये एक नंबर का मूर्ख बेवकूफ आदमी है, और फिर वो क्या करेगा, उसको लोहा का टुकड़ा दे के सोना बोल के बेच देगा, या वो लोहे को गोल्ड प्लेटिंग करके सोना दिखा के बेच देगा उसको। या फिर और एक एग्जाम्पल देते हैं गौरांग प्रभु जी, कि अगर आप पान की दुकान में जाओ और बोलोगे मुझे हीरा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो पान खिलाएगा उसको, बोलेगा ये पान खा लो, मुझे 1,000 रुपये दे दो और आपको हीरा मिल जाएगा। तो इस तरह से देर आर मेनी चीटर्स एंड चीटेड, हमें बेवकूफ़ बनाने वाले और जो बेवकूफ़ बनते हैं, ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे भौतिक जगत में। लास्ट लास्ट पैराग्राफ, यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास सोने के विषय में कम से कम कुछ प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। इस तरह यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो पहले आवश्यकता है कि आप ईश्वर के कुछ मूलभूत लक्षणों को जानें। अन्यथा यदि आप किसी धूर्त के पास गए और वह अपने को ईश्वर होने का दावा करे और आप उसे ईश्वर मान ले, तो आप ठग लिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो फैशन बन गया है ना, कि अगर कोई साधु व्यक्ति है उसके पास यौगिक शक्तियाँ है, तो वह अपने आप अपने नाम के आगे लगाता है परमहंस, नाम के पीछे लगा लेता है भगवान, कि मैं भगवान स्वयं सु परमहंस हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो, मेरा मंदिर बनाओ। तो ये सब छलावा है और कुछ नहीं है। और ऐसे व्यक्ति वो अपना भी भला नहीं कर सकते और इससे किसी और का भी लाभ नहीं होगा। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ, वी रीड एंड स्टॉप फॉर टुडे। जब कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, तो हमें जो दूसरा प्रश्न करना चाहिए वह है, तुम्हारे पास ईश्वर का दर्शन करने की क्या योग्यता है? ईश्वर इतने सस्ते नहीं है कि अरे गहरे नत्थु खैरे उन्हें देख सके। नहीं, कृष्णा भावनामृत आंदोलन कोई बेहूदी या सस्ती वस्तु प्रस्तुत नहीं करता। यदि आप आमने सामने ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको विधि विधानों का पालन करना होगा। आपको हरे कृष्ण कीर्तन करके अपने को शुद्ध करना होगा। तभी आप धीरे धीरे, ऐसा समय आएगा जब आप शुद्ध हो जाएंगे और ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे। रूपा जी एग्जाम्पल देते हैं प्राइम मिनिस्टर का। अगर कोई प्रधानमंत्री है, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं कहूँ कि अगर तुम मुझे मोदी जी को नहीं मिलाओगे तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा कि मोदी जी है, मोदी जी ही एग्जिस्ट, वो जीवित है, लेकिन फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या योग्यता है कि आप उनसे मिलना चाहते हो? मिलने के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए ना। जैसे आप देखो, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है हु इज फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, कोई धनवान व्यक्ति है, तो वो ऐसे अरे गहरे से कभी नहीं मिलते हैं। उनको उनसे अगर मिलना है तो क्या होगा, आपको भी एक
धनवान व्यक्ति को उनके सामने लेके जाना होगा, तभी वो आपसे मिलेंगे। उसी प्रकार से जब आप अपनी योग्यता बनाओगे, हमारी योग्यता क्या है, गुरु की कृपा, वैष्णवों की कृपा, तब गुरु हरि, गुरु वैष्णव, इनकी कृपा जब हम पे बनी रहेगी तब हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। और वो बता रहे हैं कि आपको हरे कृष्णा करके खुद को शुद्ध करना होगा, और ऐसा समय आएगा जब आप साक्षात नाम जप करते हुए कृष्ण का दर्शन हमेशा कर सकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी महामहोत्सव जय की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री हरनाम संकीर्तन की जय। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इवनिंग प्रभु जी, डेवलप। मेरा एक